ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारे टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। और जो पेशेंट जो रोग से आएगा वो उसी सिस्टम में जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अगर दो मिनट का काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के लिए जग विख्यात है। काशी के साथ एक और महानता जुड़ी जब काशी से एक जनप्रतिनिधि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रतिनिधित्व काशी को दिया। आज काशी पुरातन और आधुनिक दोनों परंपराओं को किस बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रही है। बदलता हुआ काशी, विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ काशी, जिस तेजी के साथ विगत 4.5 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है, वह अविस्मरणीय है। और अनेक क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय भी है। प्रधानमंत्री जी का 19 फरवरी का काशी आगमन माघी पूर्णिमा के इस अवसर पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम, जहां काशी को अनेक योजनाएं, उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी एक बार पुनः भेंट देंगे। वहीं मेडिकल का देश ही नहीं दुनिया का सबसे बेहतर हब के रूप में काशी अपनी एक और पहचान को लेकर के आगे बढ़ेगा। अब काशी केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के ही रूप में नहीं, बल्कि काशी आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का भी सबसे बेहतर सेंटर के रूप में स्थापित होगा। BHU का यह जो कैंसर संस्थान है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसे लोकार्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल समेत हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल की लगभग 15 से लेकर के 20 करोड़ की आबादी इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले पाएगी। एक साथ दो दो कैंसर इंस्टीट्यूट को समर्पित करना, अनेक सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल संस्थान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ काशी के अंदर पेयजल की बेहतर सुविधाओं के अलावा यहाँ पर किसानों की समृद्धि से जुड़े हुए डेयरी का कार्य जो अंतिम चरणों में है, इसे भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। यहाँ के किसानों और यहाँ के जो गौपालक होंगे उन लोगों को ये योजना समर्पित होगी, तो न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी अपितु अनेक नौजवानों को इसके माध्यम से रोजगार और नौकरी की संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगे। आज यही सब कार्य निरीक्षण करने और उन्हें अंतिम रूप देने की दृष्टि से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि टाटा ट्रस्ट ने बहुत समयबद्ध तरीके से कैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, इसका एक आदर्श उदाहरण है। और हमें प्रसन्नता होगी जब 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2000 करोड़ से ऊपर के इन प्रोजेक्ट्स को एक साथ काशीवासियों को, पूर्वांचल वासियों को और इस देशवासियों को समर्पित किया जाएगा।